गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चले हम लोग फिर, कल बताया था मैंने आपको कि एनसीईआरटी उधर कंप्लीट हो गया था, दो चैप्टर और पढ़ना है। इसके बाद पहला चैप्टर, एक दो चैप्टर और पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस एंड ग्राफ। एक चैप्टर एक्स्ट्रा भी बताएंगे हम, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रंगल। कंप्लीशन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रंगल। उसे एंगल निकालते हैं, भुजा दिया रहेगा तो एंगल निकालते, खैर वो तो बात की बात है। तो हम लोग एक चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ेंगे ट्रिकोनोमेट्री में। दिमाग में रखिएगा कि एक चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ना है हमको। तो हम उधर आपका एनसीईआरटी कंप्लीट कर दिए थे, लेकिन आप लोग डिमांड था केसी सिन्हा, तो हम केसी सिन्हा का प्रॉब्लम लेके आज आए हैं। आप लोग प्रॉब्लम देखें केसी सिन्हा का, जो प्रॉब्लम नहीं बनता है कृपया कर व्हाट्सएप पर भेजेंगे, व्हाट्सएप नंबर नीचे चल रहा है, आप उस पर भेज सकते हैं जो भी प्रॉब्लम हो। तो चलें हम लोग केसी सिन्हा का प्रॉब्लम लेकर के। 6.1 है केसी सिन्हा में, यहाँ से स्टार्ट है त्रिकोणमितीय फंक्शन का। 6.1 ग्राफ आएगा, तो इसके पहले ग्राफ दे दिया केसी सिन्हा में। ग्राफ आएगा तो ग्राफ बता देंगे, वहाँ भी बताएंगे। तो मेजरमेंट एंगल का अगर नहीं बनता है तो पूछ लीजिएगा, लगभग सवाल बना दिए थे। तो देखो तो 6.1 केसी सिन्हा 11th क्लास लिख देते हैं हम। 6.1 ट्रिगोनोमेट्री ऐसे भी ऊपर में लिखा हुआ चल रहा है, ट्रिगोनोमेट्री ऐसे भी लिखा हुआ चल रहा है, ट्रिगोनोमेट्री पकड़ लेगा लोग, 11th ट्रिगोनोमेट्री पकड़ लेगा इससे भी। तो पहला सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये सब तो हम बताएंगे नहीं क्योंकि बता चुके हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर एक साइन 210 डिग्री, बताइए। ये सब नहीं बनेगा, पहले मैंने कहा था कि प्रैक्टिस कीजिए। क्या तोड़ोगे इसको, तोड़ने बताए थे 180, चारे अड्डा रखना दिमाग में, चार गो अड्डा, या तो 90 पर, या तो 180 पर, या 270, या 360, यही चार गो आपको दिमाग में रखना है, यही चार अड्डा आपके पास। चार तो 210 है, 180 प्लस 30 किस क्वाड्रेंट में चला गया, देखो किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 प्लस थीटा। इस तरह से मैंने कहा था तुम लोगों को, याद करो 180, 180 यही है आपका, यहाँ था 180 प्लस थीटा, यहाँ था 180 माइनस थीटा, यहाँ 90 प्लस थीटा, यहाँ 90 माइनस थीटा, यहाँ 270 होता था ये, तो 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, ये 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। यहाँ ऑल पॉजिटिव बोला था, यहाँ बोला था साइन कॉसेक पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ बोला था टेन कॉट पॉजिटिव, याद करो टेन कॉट पॉजिटिव, यहाँ बोला था कॉस और सेक पॉजिटिव। मैंने ये भी कहा था साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, टेन चेंज होगा कॉट में, कॉट चेंज होगा टेन में, और सेक चेंज होगा कॉसेक में, ये कहा था, याद करो। अनचेंज लाइन, अनचेंज लाइन, और ये था आपका चेंज लाइन, यानी चेंज लाइन देखते हैं 90, 90 और 270 पर चेंज, 360, और इसी को हम लोग जीरो भी कहते हैं। 180 से 360 ही लाइन पर है, इसका मतलब ये अनचेंज लाइन। और ये वाई एक्सिस जो है, पढ़ क्या है आप लोग, वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस क्या होगा, वाई एक्सिस चेंज लाइन है, एक्स एक्सिस अनचेंज लाइन है, याद रखिएगा। तो देखो तो 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में साइन पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव होगा चूंकि टेन एक और पॉजिटिव, तो निगेटिव होगा चारों, तो निगेटिव 180 चेंज के अनचेंज, अनचेंज लाइन पर है, तो साइन 30 माइनस हाफ, माइनस हाफ इस टाइप से, माइनस हाफ, माइनस हाफ, जो कोई लड़का नहीं है, ये सब सवाल बताए थे इस टाइप का। मुझे उम्मीद है तुम लोगों से बन जाना चाहिए, उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये सब बनना चाहिए, क्योंकि हम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दे चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट दे चुके हैं। मैंने कहा था अभी एंगल फॉर्मूला को दिमाग में रखना, मैंने ये भी कहा था एंगल फॉर्मूला को दिमाग में रखना, एंगल फॉर्मूला यही बताए थे, देख लेना पीछे वीडियो, पीछे वीडियो देखना। दूसरा सवाल अब तो बनाने की इच्छा नहीं करता है, तुम लोग दूसरा सवाल देखो। साइन 15 डिग्री बता दिए हम निकाल के, साइन 15 डिग्री कैसे, साइन 45 माइनस 30, देखो ये लोग बताओ तुम लोग बनेगा कि नहीं बनेगा, छोड़ दें
बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ जल्दी। ये सब तो बनना चाहिए, बना भी दिए हैं पीछे सब वीडियो में है। क्या लिखे थे? साइन 45 साइन a माइनस b साइन ए साइन 45 cos 30 cos b माइनस cos a का मान 45 b साइन b b का मान 30 लग दो लगा दो 1/√2 cos 30 √3/2 1/√2 हाफ कैलकुलेट कर दो 3/√2 माइनस 1/√2 एलसीएम लोगे 3 माइनस 1/√2 देख लो। ये सब सवाल में दम नहीं है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है वो सब तो ये सब फाड़ देगा। मैंने क्या कहा था कि टेंशन नहीं लीजिए, कैसी सीना भी बनेगा आपसे। मैंने पहले भी कहा था कोई भी किताब को उठाओ बनेगा, क्योंकि इतने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैंने दिया है, इतने बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया है कि आपको दिक्कत नहीं होगा। आप केवल उठाने की बात करें, सवाल को उठाओ। हो सकता है शुरू में गलती हो आपसे, लेकिन धीरे धीरे सही कर दोगे। जब फॉर्मूला सब देखोगे अच्छा से, अगर कॉपी में लिखे हो फॉर्मूला, जहाँ पर भी तुम बैठ के पढ़ते हो घर में, वहाँ फॉर्मूला को दीवार में चिपका दो, टोटल फॉर्मूला को लिख करके कैसे हुआ क्यों हुआ, और तब देखना सवाल बनाना। देखो बताए थे कि नहीं बताए थे, सब एकदम बिल्कुल आसान है। बोलिए बनेगा कि नहीं बनेगा। आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं, बनेगा कि नहीं बनेगा। एक बगल से बता दें, एक बगल से बता दें, तब क्या फायदा है? पढ़ने से कोई फायदा है? जब हम ही एनसीईआरटी बता देंगे, कैसी सीना बता देंगे, तो फिर आपको क्या करना है? इसी तरह का सब सवाल है, बन जाना चाहिए। साइन 75 डिग्री है, टेन 15 है, टेन 75 है, ये सब बता चुके हैं हम। और 1/4 है 10 माइनस 330 डिग्री, 1/4 ये भी बताए हैं आपको -330 डिग्री। देखो तो बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा बाबू, तुम लोग जानते हो। देखो दिमाग में बैठाने बोले थे 10 माइनस थीटा -10 थीटा, तो माइनस बाहर आ जाता है, माइनस बाहर ले लो 10 330, इसको तोड़ दो, 330 है, किसके नज़दीक है, किसके नज़दीक है, 270 प्लस 60 हो जाता है, तो नज़दीक लगता है कि नज़दीक है, 360 के नज़दीक है, 30 से घटता है, 270 में 60 जुटता है, तो 270 से ही बना सकते हो तुम, लेकिन 60 पर जाना है, इसलिए अच्छा है कि 330 है, तो 30 से घटता है, तो 360 माइनस 30 जो नज़दीक होगा उसी से कर लेंगे 10। देखो तो किस क्वाड्रेंट में, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में दुए को पॉजिटिव कॉस और सेक, अब बाकी चारों निगेटिव, तो 10 नहीं है, 10 निगेटिव, तो 10 निगेटिव, 360 अनचेंज लाइन, 10 30 डिग्री, माइनस माइनस प्लस 10 30, 10 30 का मान बताओ 1/√3। अब याद नहीं रहेगा वैल्यू तो हम क्या कर सकते हैं, याद तो आपको करना ही पड़ेगा, दिमाग में रखना ही पड़ेगा। याद नहीं करना है, ये सब बनाओगे अपने दिमाग में बैठेगा धीरे धीरे, सब दिमाग में बैठ जाएगा धीरे धीरे। सवाल में दम नहीं है। लोग तुम लोग कहता था ना कैसी सी ना, लोग कैसी ना लेके हम आ गए, हम बोले ना पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हमको देने दो, फॉर्मूला बेस्ड सवाल बनाने दो, इसके बाद हायर थिंकिंग प्रॉब्लम है इसमें, वो भी दिखाएंगे आपको, चलेंगे आगे आगे। बहुत आसान है, ये सब तो बन जाना चाहिए, ये सब छोड़ दें छोड़ दें, बना के आओगे, जो नहीं बनेगा पूछ लेना, व्हाट्सएप पर भेज देना। बोलो ये सब सवाल तो बना लोगे तुम लोग, इंग्लिश मीडियम बुक है, हिंदी मीडियम नहीं है, इंग्लिश मीडियम बुक है, ऐसी सिन्हा का इंग्लिश मीडियम बुक है, हिंदी मीडियम नहीं है, ये किसी भी किताब से बनाओ तुम किसी भी किताब से बनाओ, तुम्हारा प्रॉब्लम बनेगा। अगर तुम थोड़ा सा भी इच्छा रखते हो कि हमको पढ़ना है, थोड़ा सा भी इच्छा अगर रखते हो कि हमको पढ़ना है, मैथमेटिक्स सीखना है, तो मेरे साथ थोड़ा सा वर्क करो घर में, थोड़ा सा वर्क तो आपको करना पड़ेगा। हम तो 1 घंटा के साथ है, 23 घंटा आपके पास है, आप फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ते होंगे, इंग्लिश भी पढ़ते होंगे, अच्छी बात है, लेकिन मेरे साथ 1 घंटा मात्र घर में समय दो ईमानदारी के साथ, 1 घंटा, यानी कि बैठ के दिन काट लिए, मोबाइल भी कुछ चला है, कुछ देख रहे हैं, ऐसा नहीं, 1 घंटा ईमानदारी के साथ बैठ जाओ घर में मेरे साथ, मेरे वीडियो को देखो, कॉपी में उतारो और उसको देखो तो कैसे हुआ फॉर्मूला क्यों हुआ,
ये सब अगर दिमाग में रखोगे तो हम बिल्कुल गारंटी लेते हैं कि आपको सिखा देंगे। ये हो गया होगा आपका, ऐसा बन जाएगा, छोड़ दें, तुम लोग लिखो छोड़ दीजिए बना लेंगे, लिखो छोड़ दीजिए बना लेंगे, तब बन जाएगा कॉस 1395। सिक्स नंबर था, इसी का सेवन है कॉस 1395, 1395। तोड़ो, क्या बोले थे, चक्कर, एक फॉर्मूला दिए थे आपको, कॉस टू एंड पाई प्लस थीटा इजिकल टू कॉस थीटा, याद करो, भूल गया, बोले रहे मजेदार चीज बताते हैं, कॉस भाग दो 1440, 1395 है ना, हाँ, भाग दो 720, 1440, 40 घटाओ 1440, घटाओ कितना 45, देखो 1395 1440 में बड़ा लिखो, 1440 में 95 घटा 45 घटा दो, 45 घटा दो नहीं बचेगा 1350, ये देखो तो 360 × 4, 6×24, 7×14, 1440, यानी 360 × 4 -45, देखो तो 4 को हटाओ, चक्कर हटाओ, कॉस चक्कर को हटा देना है, 360 − 45, ये इस फॉर्मूला पर आ गया, इसी कहते हैं 2π × n − θ, क्या हो गया कॉस, एन को हटाओ, एन का मान 4 हटा दो, 2π 360 − θ, किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, कॉस पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव 360 अनचेंज लाइन, कॉस थीटा का मान कितना है जी 45, देख लो उत्तर 1/√2, वेरी सिंपल, ये सब को छोड़ देते हैं, ये सब एनसीईआरटी में भी बताए हैं, ये सब टाइप का एनसीईआरटी में ही बताए हैं, आप लोग जोश और जज्बा रखो, थोड़ा सा एकदम युवा हो, अभी एकदम युवा भी नहीं हुए हो, अभी जोश और जज्बा रखो, हिम्मत ही मर्दा मर्दे खुदा, हिम्मत रखो, जो हिम्मत बाद है, थोड़ा सा हिम्मत करोगे, मेहनत करोगे तो बहुत आगे बढ़ जाओगे, थोड़ा सा माथा पच्ची होगा शुरू शुरू में, परेशानी सबको होती है, तुमको क्या, हमको भी होती थी जी आपके एज में जब थे तो, लेकिन परेशानी होगा, लेकिन दिमाग में बैठ जाएगा, जब परेशानी दूर हो जाएगी, धीरे धीरे आप आगे तो बढ़ने का प्रयास कीजिए, देखने का तो प्रयास कीजिए, आप लोग तेज तर्रार आदमी हैं ही, आप लोग को बताना क्या क्या करना है, भूख होनी चाहिए पढ़ने का, जिस दिन तुम लोग मोबाइल छोड़ करके ही सोच लोगे कि हमको पढ़ना है कुछ, तो उस दिन कलाकार बन जाओगे तुम पढ़ाई के क्षेत्र में, और नहीं तो मोबाइल लेके ढोते रहो, मोबाइले पर लोग देखते रहो, उसका 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 खत्म हो गया, किसी का नहीं समझे, बना लोगे ऐसा, 1 × 8 देखो तो 10, 11π/12 ऐसा भी तोड़ने एनसीईआरटी में बताए हैं आपको, एक आध को तोड़ देते हैं, 10π − π/12, एलसीएम लो 12π × 11π नहीं बचेगा, किस क्वाड्रेंट में, सेकंड, पाई मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस पाई बटे 12 बड़ 15, पाई मान 180/12 मार दो, 180 अब 12 15 12 में कर जाएगा 15 डिग्री, कितना हो जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया 180 − θ, सेकंड क्वाड्रेंट में 180 − θ पॉजिटिव की निगेटिव, 10 सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव बताया था, 180 अनचेंज, 10 15 डिग्री, अभी तुरंत ऊपर में दिया था 10 15 डिग्री का मान निकालना है आपको, कैसे ये बताते हैं, कैसे बताए थे निकालें, 45 − 30, हम डायरेक्ट लिख दें, इसको जब तोड़ोगे तुम तो इस तरह से आएगा √3 − 1/√3 + 1, माइनस कॉमन ले लो, ये रहने दो यही उत्तर,
और इसको कर सकते हो तुम, इसको और कर सकते हो तुम, क्या परमयीकरण कर सकते हो तुम, जिसको कहते हैं इंग्लिश में रेशनलाइज। इंग्लिश में इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेशनलाइज, रेशनलाइज कर सकते हैं। बता दूं बहुत आसान है, ये सब टाइप का बन जाएगा आपके पास। अब आइए दूसरे टाइप का, इस फॉर्मूला को जबरदस्त दिमाग में रखना, फिजिक्स वाला यूज करेगा एंगल फॉर्मूला को, उस समय हमको गाली नहीं सुनवाना। कहे कि फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा सर्कुलर फंक्शन, जब वो पढ़ाएंगे सर्कुलर में आएंगे, सब चीज़ निकालेंगे, वो मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालेंगे या वेलोसिटी पर आएंगे, एंगुलर वेलोसिटी पर आएंगे, तो वो सब वहाँ यूज करेगा, कहेगा ऐसे कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री। देखो यहाँ दूसरा कहता है वैल्यू निकालिए, नंबर एक साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री, निकाल सकते हो आराम से। कैसे, साइन 90 प्लस 15 प्लस कॉस 90 प्लस 15, देखो था दीजिएगा कॉस माइनस कॉस 15, नहीं प्लस में हो जाएगा, साइन है सेकंड पॉइंट में, प्लस सही हो जाएगा माइनस साइन 15, रूट टू से गुना, रूट टू से भाग कर दो, नहीं कुछ तो वन है कि नहीं, गुना तो भाग, इस तरह से करो 1 × cos 15 माइनस साइन 1 × sin 15 बाय रूट टू से गुना तो रूट टू से भाग, क्या हो जाएगा ये रूट टू 1/√2 cos 15 माइनस 1/√2 sin 15। जानते हो कॉस का फॉर्मूला माइनस में होता है, कॉस में तोड़ दो रूट टू, 1/√2 को कॉस 45 कॉस 15 माइनस साइन भी 45 का मान होता है ही साइन 15, कौन फॉर्मूला पड़ा गया देखो, तो कॉस का कॉस है इंटू कॉस भी माइनस साइन इंटू साइन भी, आराम से कॉस ए प्लस बी 45 प्लस 15 रूट टू, और कॉस 60, कॉस 60 का मान 2 × 1/2 कट गया रूट टू 1/√2। देखो कितना आसान है, बस फॉर्मूला को नचा रहा है ये, देखो ऐसा था फॉर्मूला पर, ले कैसे जा सकते हैं इसको फॉर्मूला पर, ये दिमाग में रखो, इसको फॉर्मूला पर हम कैसे लेके जा सकते हैं, इस टाइप का सवाल अगर रहेगा इसी टाइप से बनेगा, ध्यान रखना। इसमें भी तुम डायरेक्ट ग्रुप टू से गुना कर सकते हो, इसमें भी तुम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब फिर तोड़ेंगे फॉर्मूला पर, 180 प्लस थीटा या 90 प्लस थीटा पर, ऊपर में तोड़ दिए हम बना दिए, मिटा दूं। अरे बहुत आसान है बालक, इतना आसान है कि मत पूछो, बस तुम कोशिश तो करो, जानते हो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दो का एक, दो का दो ना होगा, दो का एक तो बताए, दो का दो साइन 300 डिग्री कॉस 1150 डिग्री माइनस 10 माइनस 120 डिग्री, 1050 माइनस 10 माइनस 10 माइनस 120 डिग्री माइनस है, तो देखो तो इसको तोड़ेंगे, साइन 270 में भी तोड़ सकते हो, नज़दीक है 270 का, 270 प्लस 30 इंटू कॉस 1 या 3 से गुना करो 1080, 360 गुना 3 1080, 1080 में कितना घटेगा माइनस 30, लिख सकते हैं 1080 1080 घटाओ 30, हाँ घटाओ 30, 80 में 30 50 नहीं बच जाएगा, आई माइनस है माइनस बारह माइनस माइनस प्लस 10 120 डिग्री तोड़ो, कि देखो तक किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव चेंज लाइन
30 270 चैन लाइन पर है इनटू ये कितना चक्कर 3 गुना 360 माइनस 30 प्लस इसको भी तोड़ दो 10 90 प्लस 30 देखो तोड़ने सिखा रहे हैं माइनस कॉस 30 ये 3 हटा दो चक्कर जितना भी 3 चक्कर हो गया इनका मान हटा दो कॉस 1 360 माइनस 30 प्लस माइनस माइनस कॉट 30 हो जाएगा चैन लाइन है 90 तो हो जाएगा माइनस कॉस 30 का मान रूट 3 बाय 2 गुना इधर वो फोर्थ कॉर्न है माइनस कॉस 30 माइनस कॉट 30 माइनस रूट 3 बाय 2 रूट 3 बाय 2 माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस इनटू है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस रूट 3 और इनटू कॉस 30 का मान 2 और इसका रूट 3 कर गया रूट 3 माइनस रूट 3 कितना 0 रूट 3 माइनस रूट 3 0 बहुत आसान है बिल्कुल आसान देख के तो चलो इतना आसान की मत बोलो यही सब वैल्यू दिमाग में बैठेगा जब कैलकुलेट करोगे तो दिमाग में वैल्यू बैठेगा तो यही सोच लो तुम दिमाग में जब वैल्यू बैठेगा तो कितना निखरोगे तुम निखार आ जाएगा तुम्हारे दिमाग में ये सब है ये सब का काम बहुत हाइट एंड डिस्टेंस अभी तुम पढ़ा था मैट्रिक में वहां भी देखो काम किया था ये लोग त्रिकोनोमेट्री पर हाइट एंड डिस्टेंस ऐसा बन जाएगा अब तुम लोग से छोड़ दें पाई वाला भी बता दें पाई वाला बताए थे आपको याद है कि नहीं पाई वाला बता दिए थे याद है कि नहीं है पता नहीं कर दें फिर 2 का 3 2 का 3 साइन 690 कॉस 930 साइन 690 साइन 690 कॉस 930 साइन 690 कॉस 930 प्लस 10 माइनस 765 प्लस 10 माइनस 765 इंटू कॉस 1 1170 माइनस 1170 माइनस 1170 तोड़ो साइन देखो तो 690 720 होता है 720 में 30 घटाओ 720 घटाओ 30 निपुट गया 690 यहाँ देखो इंटू कॉस 930 यानी इससे लगाओ 70 8 7 15 150 100 यानी कि 1080 या घटाओ 150 70 8 7 15 150 घटेगा तो 930 बचेगा देख लो अगर 108 में 15 घटेगा 93 अब माइनस प्लस माइनस 10 765 इंटू माइनस कोसेक 1170 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये कितना हो जाएगा साइन 2 गुना 360 माइनस 30 इंटू कॉस 3 गुना 360 माइनस 150 फॉर्मूला पर भी आ जाएगा डायरेक्ट लेकिन फॉर्मूला पर उत्तर है माइनस गुना माइनस प्लस 10 765 720 प्लस 45 इंटू माइनस माइनस प्लस हो गया ही कॉस 1 1170 कॉस 1 1080 घटाओ प्लस हो जाएगा यहाँ 1100 है 90 देखो तो साइन चक्कर हटाओ क्या हो जाएगा साइन 360
माइनस 30 इंटू कॉस, चक्कर हटाओ, 360 माइनस 150 प्लस चक्कर, कितना चक्कर, दो चक्कर, दो गुना 360 प्लस 45 इंटू कॉस एक, 3 गुना 360 प्लस 90 आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस साइन 30, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस कॉस 150, 150 प्लस 10 45 इंटू कॉस एक 90, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस है। चलो माइनस 30 का मान 1/2, इसको फिर तोड़ो, 180 माइनस 30, 10 45 1 कॉस 90 1 माइनस 1/2, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस कॉस 30 प्लस 1 इंटू माइनस 1/2 और ये रूट 3/2, माइनस रूट 3/2 माइनस प्लस रूट 3/4 प्लस 1। ऐसे देख लेते हैं इसका उत्तर कहीं गलत सलत तो नहीं हो गया, ऐसे में मथा पच्ची है। रूट 3 प्लस 1 ठीक, रूट 3/4 प्लस 1। देखो तो ये सब सवाल को तुम लोग को बनाना चाहिए, कितना मजा है, कोशिश करके तो देखो मजा आ जाएगा। पीछे का वीडियो देखोगे सब प्रॉब्लम तोड़ने बताए हम तुमको। हो गया, अब लगेगा ये 5 दिन इसमें कैसी से नाम, बीच बीच से प्रॉब्लम बता देंगे तुम लोग को। हो गया जी, अगर हो गया होगा तो तेजी में करना पड़ेगा, इसलिए कि प्रॉब्लम ज्यादा है किसी से ना में, तेजी से नहीं करोगे तो फिर चलेगा ही बहुत दिन तक। किसी से ना पढ़ने का मकसद है कि प्रॉब्लम ज्यादा बनाना, अब कुछ प्रॉब्लम अपने से भी सॉल्व करोगे तब होगा, नहीं तो दिक्कत है। हमको बताना है कैसे संभव है। देखो ये सब टाइप का बना लेना तुम लोग प्रॉब्लम, ये सब टाइप का प्रॉब्लम जानते हो तुम लोग, 2 का 4 कॉट स्क्वायर 5/6 प्लस कॉस एक 5 π/6 कॉस एक 5 π/6 प्लस एक ही माइनस प्लस 3 tan² π/6 प्लस 3 tan² π/6 यही प्रॉब्लम है आपका। देखिए तो नहीं बना पाओगे, ऐसा सब नहीं बनाए कि एनसीईआरटी में बनाए हैं। क्या लिखोगे सॉल्यूशन, इसको लिख सकते हैं कॉट 5/6 का होल स्क्वायर प्लस, तीनों में प्लस एन है हाँ, कॉस एक, देखो तुरंत सिखाते हैं, पाई माइनस 5/6, देखो तो एलसीएम लेंगे 6 में से पाई जाए 5π और प्लस 3 tan π/6 का होल स्क्वायर कॉट 5/6 का मान, 5/6 का मान कॉट 5/6 मान रूट 3, 30 डिग्री, डिग्री बदल लो याद नहीं है तो 30 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस इट हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कॉस 5/6 प्लस 3 tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर,
रूट थ्री का होल स्क्वायर, फिर इसको तोड़ दो कॉस एक 30 डिग्री प्लस 3 30 डिग्री 1/√3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 3 2 3 गुना 1/3 कट गया, 3 + 2 + 1 = 6। देखो है, अपने से बनाओगे तो थोड़ा मजा आएगा, जो नहीं बनता है उसको पूछो। केसी सिन्हा भी वही प्रॉब्लम है जो एनसीईआरटी है। केसी सिन्हा में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम, हायर थिंकिंग प्रॉब्लम है, उसको हम बनाते हैं। बोलो, जरा खत्म कर दें। तीसरा सब बन जाएगा, इधर इधर सब बन जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर, 3 देखो तो क्या आता है, प्रूफ डैट, ये सब सवाल बनाओ बाबू। साइन 75 डिग्री इक्वल टू √6 + √2/4, नहीं कर पाएंगे, आराम से करेंगे। साइन 75 डिग्री का मान जानते हो तुम लोग, निकाले थे हमको कहो हम तुरंत निकाल देंगे, √3 + 1/√2 √2, लेकिन तुम लोग को तोड़ देते हैं थोड़ा, 45 + 30 देखो तो साइन ए प्लस बी, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30, साइन ए प्लस बी पर तोड़ दिए तो 1/√2 कॉस 30 √3/2 1/√2 हाफ, यानी अंतोगत हुआ, ये सब निकाल के बताए थे 2√2। अब क्या करना है, गुना 2√2/√2 √2/√2 हर परिमेयकरण जिसको आप कहते हैं रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर, √2 से गुना के क्या हो गया, √2 √3 + 1/2 गुना √2 गुना √2 गुना करो √6 + √2/4। देखो कैलकुलेशन है खाली, कुछ है उतने मान जो साइन 75 का बताया था मैंने आपको, साइन 75 आपको बताया था मैंने, याद होगा कितना आसान है। इधर हो गया होगा मेरे ख्याल से, एकदम कर दिए होंगे आप लोग, इधर मिटा दूं, इधर मिटा दूं, वही सब सवाल बनाना कहता है। 10 15 का वैल्यू निकालिए, अप्रूव कीजिए कि 10 15 + cos 15 = 4, प्रूव कीजिए, निकालिए इसका वैल्यू और साबित कीजिए कि इतना इसका मान 4 होगा। तो 10 15 का मान बताए थे, याद है कि नहीं, एकदम भूल जाते तुम लोग, इसके पहले भी बताए थे 45 - 30 क्या निकालोगे, 10a - b, 10 45 - 10 30। देखो ये सब सवाल बनाने में कितना है, ये सब मनाना पड़ेगा, मन जाओगे तो तुमको दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो दिक्कत तो आगे रख ले। 1 - 10 30 का मान 1/√3, 1 + 1 × 1/√3 LCM लो, √3 - 1/√3 + 1 पहले भी बताए हैं, लाना है कितना इसका मान, देखो तो 10 15
ये कॉट 15 योग या टेन 15 का मान कॉट 15 बराबर क्या कहते हैं आप लोग 1/10 15 10 15 इसका मतलब 1/√3 माइनस 1/√3 प्लस 1 पलट दो इसको √3 प्लस 1/√3 माइनस 1 निकल गया दोनों का मान 10 15 cot 15। अब बैठा दो LHS 10 15 प्लस cot 15 नहीं बैठा सकते हो 10 15 दिखाई पड़ रहा है नीचे हाँ पड़ रहा है 10 15 का मान क्या है √3 प्लस 1/ ऊपर लिखते हैं नीचे लिखने नहीं बनता उधर लिखते हैं कहता है कुछ है नहीं माइंड लगाओ थोड़ा सा जब तक अपना माइंड का उपयोग नहीं करोगे आपका माइंड डेवलप नहीं होगा हम एक बगल से बता देने से कोई फायदा रटोगे तो क्या दिक्कत हो गया काहे रटेंगे हम मैथ रटने का चीज थोड़े है तुम लोग सोच रहे हो मैट्रिक का चीज है मैट्रिक का चीज नहीं है कि रट लेंगे 15 डिग्री 50 नहीं पढ़ लेना इसका मान √3 प्लस 1/√3 माइनस 1 इसका मान माइनस 1/√3 उल्टे तो नहीं हो गया ये माइनस आई प्लस आई प्लस आई √3 माइनस 1 देख लो 10 15 ऊपर माइनस है 10 15 माइनस इसमें प्लस है प्लस एलसीएम लो क्या होगा एलसीएम √3 प्लस 1 और ये कितना हो जाएगा √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई करो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस अब कहो ये क्यों दिया है सब यही कैलकुलेशन है प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ने के लिए दिया है सब तोड़िए क्या होगा 3√3 प्लस 1 3 − 2√3 प्लस 1/a + b × a − b √3 का माइनस 1 स्क्वायर 3 3 6 ये तो कट गया ये माइनस ही प्लस नहीं कट गया 3 3 6 प्लस 2 बटे इसका मान कितना 3 − 1 4 2 6 2 8 बटे 2 कट गया कितना 4 कैलकुलेशन है कि नहीं है अभी सब लड़का कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा तो कैसे काम चलेगा त्रिकोणमिति दोनों चीज सिखाता है कैलकुलेशन भी कीजिए और त्रिकोणमेट्री का दिमाग में भी रखिए फॉर्मूला बैठ जाएगा प्रैक्टिस पर ही फॉर्मूला बैठता है रटने से फॉर्मूला नहीं बैठता है अच्छा ये दिमाग में रख लेना मैट्रिक नहीं है कि पतली ऐसी बुक है 3 4 5 बार बना लेंगे एक सवाल को ऐसा नहीं है यहाँ यहाँ है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है और यहाँ तो यहाँ कंपटीशन में जाओगे तो वहाँ कोई रटने वाली चीज़ नहीं है इसलिए कंपटीशन फेस करना है तुम लोगों को तो थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा मेहनत करना पड़ेगा चार जल्दी लिखो जल्दी लिखो 10 मिनट बचा हुआ है अब बोले नहीं कैसे इतना पढ़ोगे बहुत प्रॉब्लम है इसमें अभी तो मेन मन सवाल पर गए भी नहीं है अभी तो छोटा छोटा चल रहा है छोटा छोटा प्रॉब्लम चल रहा है आज प्लस टू का भी क्लास होगा बी एस सी का भी होगा जो भी लड़के जुड़े हुए हैं सब क्लास होगा सब क्लास होगा आज मिटाऊं तुम लोग तो बोलते भी नहीं हो मिटाएं कि नहीं मिटाएं अब रेडीमेड लोग खोजता है फॉर्मूला लिखिए सवाल बनाइए रेडीमेड हम रेडीमेड नहीं पढ़ाते हैं अभी हम पढ़ाते हैं थोड़ा तो डीप से क्योंकि आने वाला वक्त में बहुत दिक्कत है रेडीमेड में लोग पछताने लगता है 5 नंबर तो बन ही जाएगा आपका 5 नंबर नहीं बन जाएगा सारे ने बताए अभी हम 5 10 − 1/2 × π/4 देखो तो अब माइनस तुम लोग जानते हो कि माइनस वन का स्क्वायर करता है प्लस माइनस 1/1 − 1 माइनस 1 का क्यूब −1 − 1/4 प्लस
प्लस वन। देखो तो इवन पावर प्लस करता है और ओड पावर क्या करता है माइनस। एन पॉजिटिव इंटीजर है, हम एन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं क्या होगा। तो या अगर आप देते हैं टेन पर टेन माइनस वन पावर वन पाई बाय फोर, तो क्या हो जाएगा टेन माइनस पाई बाय फोर बाहर चला जाएगा, माइनस टेन पाई बाय फोर माइनस टेन पाई बाय फोर तो माइनस वन। अगर टू देते हैं तो प्लस कर देगा, टू प्लस करेगा तो टेन पाई बाय फोर वन। तो हम भी नहीं जानते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे माइनस वन पावर एन टेन पाई बाय फोर, जो है पावर उसी के साथ बाहर किए, पावर एन इंटू वन तो माइनस वन पावर एन उत्तर। अब एन का मान जो दो तुम, एन का मान जो दो तुम प्लस दो, अगर एन का मान इवन नंबर दोगे सम संख्या तो पॉजिटिव, और अगर विषम संख्या दोगे तो निगेटिव। सम संख्या दोगे तो पॉजिटिव, विषम संख्या दोगे तो निगेटिव। ओह आप ही लोग में से कोई किया था ना सागर जी, आप ही लोग में से तो कोई किया था कि हमको कैसी सुना नहीं बताइएगा, तो हम आए कैसी सुना लेकर के। हम जानते हैं 10% लड़का मत कैसी सुना पढ़ेगा, बाकी लोग तो एनसीईआरटी पर है, लेकिन आप लोग डिमांड किए कैसी सुना नहीं बताइएगा, लीजिए ना कैसी सुना पढ़िए, कोई किताब पढ़िए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत भले होगी, हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको थोड़ा क्या हुआ सिलेबस में लेट लगेगा, लेकिन हम नहीं सोचना कि कोई भी प्रॉब्लम भेज दो, हम कोई प्रॉब्लम बनाने के तैयार, हम लोग वैसा नहीं करते हैं। बीएससी का पार्ट वन है 4 बजे, पार्ट थर्ड है 6 बजे। हो गया, फाइव सिक्स। देखिए ये सब सवाल में थोड़ा सा माथा लगेगा तुम्हारा, ऐसे तुम माथा क्या लगाओगे, इस सब में थोड़ा सा माथा लगाओगे तो बन जाएगा वन बाय रूट टेन और कॉस की साइन है, साइन बीटा का वन बाय रूट फाइव, साइन बीटा इजकल टू वन बाय रूट फाइव। तो कहता है अल्फा बीटा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू तो साबित कीजिए कि, तब कहता है साबित कीजिए अल्फा प्लस बीटा इजकल टू पाई बाय फोर, कितना कहता है पाई बाय फोर यानी 45 डिग्री, साबित कीजिए कि ये 45 डिग्री है। ऐसे तुम लोग को टेक्निक बताते हैं, टेक्निक पकड़ो, आप टेक्निक देते हैं तुम लोगों को, टेक्निक पर बोलते थे ना टेक्निक पकड़ो, देखो क्या टेक्निक है, किसको निकालना है प्लस में कि माइनस में, प्लस में यानी जरूर या तो कॉस ए प्लस बी होगा या साइन ए प्लस बी होगा, कॉस ए प्लस बी होगा या साइन ए प्लस बी लगाएंगे तब ना फॉर्मूला, क्योंकि ए प्लस बी एंगल कहता है निकालने, अल्फा प्लस बीटा कहता है यानी साइन अल्फा प्लस बीटा को या कॉस अल्फा प्लस बीटा को निकालना पड़ेगा। अगर साइन अल्फा प्लस बीटा की बात करें हम, जैसे दिमाग में आएगा साइन ए प्लस बी आपको लिखे हैं, जैसे दिमाग में आएगा ए प्लस बी यानी कि साइन भी चाहिए और कॉस भी चाहिए, तो इसका होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। देखो तो साइन ए है तो कॉस ए है, साइन बी है तो कॉस बी भी है, दोनों चाहिए। यहाँ अल्फा बीटा है तो अल्फा साइन में था, साइन में बीटा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कहाँ है आपके पास, कॉस अल्फा कॉस बीटा कहाँ है आपके पास, ये तो आपको सोचना पड़ेगा। यार फॉर्मूला में तो होता है, अगर ए प्लस बी की बात अगर यहीं पर आप अल्फा बीटा रखते हैं, अल्फा बीटा क्या कहते हैं साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा और प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, साइन अल्फा और साइन बीटा तो है आपके पास, ये दोनों तो है, ये दोनों है साइन कॉस अल्फा कॉस बीटा, इसी से निकाल लेंगे मान। कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन, साइन अल्फा बराबर वन बाय रूट टेन और साइन बीटा बराबर कितना दिया गया वन बटे रूट फाइव, तो कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तुम लोग जानते हो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर वन, तो यानी कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कॉस एक्स बराबर क्या होगा, ये सब बेसिक फॉर्मूला है दिमाग में रखना, अंदर मैट्रिक में भी पढ़ा होगा। तो रूट अंडर वन माइनस साइन अल्फा का मान वन बाय रूट टेन का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दो, यानी क्या हो जाएगा वन माइनस वन बाय टेन, एलसीएम लो क्या होगा टेन माइनस वन बटे टेन, अगर इसको आप निकालोगे तो क्या निकल जाएगा रूट अंडर नाइन बाय टेन यानी नाइन का थ्री बाय रूट टेन। देखो हम नहीं निकालते हैं, अपने निकालता है,
खाली कैलकुलेट करो, अब यहाँ पर लाओ कॉस बीटा बराबर, तब क्या हो जाएगा रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा, जो एंगल है वही होगा, और साइन बीटा का मान वन बाय रूट फाइव, ये देखो तो वन माइनस वन बाय फाइव, एलसीएम लो फाइव एलसीएम फाइव माइनस वन यानी रूट अंडर फोर बाय फाइव, यानी क्या कहोगे टू बाय रूट फाइव हो गया। देखिए अब फॉर्मूला लगाइए साइन अल्फा प्लस बीटा, अब फिर निकलेगा, हम कुछ नहीं करते हैं क्योंकि हम यहाँ पर देख लिए कि अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो इसलिए हम भी लगा दिए साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉस भी लगा सकते हो तुम, तुम्हारी इच्छा है, तुमको कोई नहीं रोकेगा। क्या होगा फॉर्मूला, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, साइन अल्फा का मान है आपके पास वन बाय रूट टेन, कॉस बीटा का मान निकाले हो टू बाय रूट फाइव, प्लस कॉस अल्फा का मान निकाले हो थ्री बाय रूट टेन, और साइन बीटा का मान यहाँ है वन बटे रूट फाइव, यानी टू बटे रूट पचास प्लस थ्री बटे रूट पचास, तीन दो पाँच बटे रूट पचास, रूट पचास का क्या लिखते हो फाइव रूट टू, कट गया तो निकल गया साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वन बाय रूट टू, वन बाय रूट टू साइन में किसका वैल्यू 45 डिग्री, इसलिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री बराबर पाई बाय फोर। देखो तो अपने आगे बढ़ता है, टेक्निक पकड़ो कैसे, मेरा टेक्निक पकड़ लो। अब लीजिए एनसीईआरटी, अब कोई कहता है एनसीईआरटी पढ़ना है, कोई कहता है केसेस ना पढ़ना है, फिर तो आपको डिसाइड करना है। हम तो एनसीईआरटी में उधर तक खींच दिए हैं, दो चैप्टर और पढ़ना है एनसीईआरटी में, हम तो खींच दिए हैं। आप कोई लड़का कहता है एनसीईआरटी पढ़ेंगे, कोई कहता है केसेस ना बताइए, तो हमको तो बताना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम, एनसीईआरटी के साथ साथ केसेस ना कहीं बना लो, थोड़ा थोड़ा अच्छा रहेगा, जो जो टैप प्रॉब्लम है हम बताते बता देंगे, ऐसे तोड़ना है ऐसे तोड़ना है ऐसे तोड़ना है ना, ऐसे तोड़ना है, देखो ये सब तोड़ने सीखो, ये सब में दम नहीं है, तुम लोग को बार बार बोलते हैं तोड़ना सीखो। दम नहीं है तोड़ना सीखो, क्या कैसे ना बना आओगे आज, एनसीईआरटी तो पढ़ाएंगे ही निश्चित रहिए, एनसीईआरटी ही चलेगा, लेकिन बीच बीच से कैसे ना कुछ कुछ प्रॉब्लम आपको लेते चलेंगे, ताकि आप कैसे ना भी बनाइए। आप इससे क्या होगा, अगर दोनों बुक बनाते हैं आप तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, ये ब्रेन डेवलप होगा, सोचने की शक्ति बढ़ेगी, और जब सोचने की शक्ति बढ़ती है तब आप कोनो काम कर सकते हैं। देखते हैं बड़ा बड़ा पुल कौन बना रहा है, मैथ पढ़ने वाला, क्यों, क्योंकि वो इतना पढ़ा है, इतना ब्रेन उसका डेवलप हो गया है कि बड़ा बड़ा पुल दो पाया पर पुल खड़ा कर रहा है, शीशा का पुल बना रहा है, इतना ब्रेन डेवलप हो गया है कि उसका कहना अब नहीं है। तो मैथमेटिक्स पढ़ने वाला का ही ब्रेन डेवलप होता है, क्योंकि वो थिंकिंग पावर बढ़ता है, सोचने की शक्ति उसकी बढ़ जाती है, क्यों बढ़ती है, क्योंकि प्रॉब्लम पर सोचता है इसमें कौन फॉर्मूला लगेगा कैसे लगेगा, जो इसको हम यहाँ तक पहुँचाएंगे। तो वही चीज़ पूल में है या और कोई चीज़ में है, या देखते हैं इंजीनियर गाड़ी बना रही है, एक एक टेक्नोलॉजी पर गाड़ी आ रही है, अब वो सोचते रहता है, उस पर काम करते रहता है, सक्सेस होता है। तो वही है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का मतलब होता है कि ब्रेन को डेवलप कर, ये नहीं कहीं तुमको मिलेगा कि 90 डिग्री पर ही नहाएंगे तो स्नान होगा, ये कहीं नहीं मिलेगा कि 60 डिग्री पर झुक के खाएंगे तभी जाएगा। दैनिक जीवन में अर्थमेटिक का यूज है, अर्थमेटिक मतलब कि जोड़ घटाव गुणा भाग जो करते हैं अंक में, उसी को अर्थमेटिक कहते हैं, उसका यूज है, लेकिन ये सब का यूज आप टेक्नोलॉजी बनाने में आप करेंगे, इसलिए इसको सीखना है टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, आज भर यही टाइम हम समाप्त हो रहा है टाइम आपका, हम पुनः कल मिलते हैं, तबीयत खराब रहते हुए आपको पढ़ा रहे हैं, कल देखिए क्लास नहीं हुई थी, तबीयत खराब हो गई थी, पानी में भींग गए थे, तो ठीक है आज भर यही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, बाय, हैव ए नाइस डे।